मैं हूँ परवीन और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर के मीशो के वेस्टर्न वियर का हॉल, जिसमें कि ड्रेसेस वगैरह हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोग के लिए शेयर किया था आप लोगों के साथ मीशो का वेस्टर्न वियर ड्रेसेस, जंप सूट एंड टॉप्स का हॉल, कि जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वो पसंद आता है तो उसे ज़रूर से एक बार चेकआउट करिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे आपको आपके हेल्प करता है आपके परचेज में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो ज़रा भी देर ना करते हुए चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास है एक प्यारा सा ब्लू कलर का ड्रेस, बहुत ही प्यारा है ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ऑनेस्टली मुझे बहुत प्यारा लगा और पहनने पर भी बहुत प्यारा लगता है। मैं लगाऊंगी ट्राई ऑन तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत है ये। इसकी फैब्रिक वगैरह भी मुझे अच्छी लगी। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो इसकी फैब्रिक है, यहाँ पे डबल लेयर इन्होंने दिया हुआ कि ज़रा सा भी देखने में ख़राब ना लगे। और ऐसे ही प्रिंसेस कट वाली जैसे होती है, यहाँ से प्रिंसेस कट है जो कि बॉडी पे अच्छे से फिट होने के लिए शेप बनाया है उन्होंने। यहाँ पे आपको टाई करने के लिए ऐसे दो अच्छी डोरियाँ मिल जाती है, स्ट्रिप बहुत अच्छी है, सेम कपड़े की डबल लेयर की है। बैक साइड पर आपको यहाँ पर ऐसे इलास्टिक मिल जाती है जिसकी वजह से अच्छे से फिट हो जाती है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, आई थिंक मैंने मीडियम में ही मंगाया था। थ्री पैनल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 1, 2, 3, और तीनों की जहाँ पे स्टिचिंग आती है ना, यहाँ स्टिचिंग के पास इन्होंने इस तरह से ऐसे रफल बना दिया, तो उससे बहुत प्यारा इसका लग रहा है लुक, बिल्कुल प्लेन प्लेन सा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और केवल फ्रंट पे नहीं, बैक पे भी इन्होंने बनाया हुआ है सेम वैसा ही रफल दिया हुआ है, और कलर बहुत प्यारा आया है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाली ड्रेस, इसकी इमेज भी मैं लगा दूंगी। मुझे तो ये काफ लेंथ तक आ रही है, अच्छी खासी काफ से आई थिंक एंकल और काफ के बीच तक आ रही है। मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच है, तो मैंने इसे भी मीडियम मंगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा शोल्डर पे ऐसे स्ट्रिप लगी हुई है और इस तरह से ये कर्व यहाँ से शेप दिया हुआ है। जीन्स इसकी फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छी है, फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, ये आपकी बॉडी पे अच्छे से फिट हो जाती है। नीचे की तरफ का पार्ट इस तरह से है, साइड में आपको इस तरह से ये मिल जाती है, दो लाइनें अलग प्रिंटेड वाली टेपिंग हुई है दोनों साइड में इस तरह से। और बैक साइड में वे आप देख पा रहे होंगे कि बैक साइड में आपको जिप मिल जाती है, जो कि फिटिंग में आपको आसानी करता है, क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस अगर फिट ना हो बॉडी कॉन टाइप की तो अच्छी नहीं लगती है। तो ये इस तरह से आपको जिप यहाँ पे मिला हुआ है, तो आप अपना जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग देख करके मंगाएं। वेस्ट पे आपको यहाँ पे बैक साइड में ऐसे इलास्टिक मिल जाती है जो कि कमर पे अच्छे से फिट हो जाती है, अच्छी खासी स्ट्रेचबल है, फैब्रिक भी स्ट्रेचेबल है और साथ में इलास्टिक इन्होंने दे दिया तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है बैक साइड का पार्ट और ये है फ्रंट का। इसके साथ ही साथ मुझे जीन्स की जैकेट भी रिसीव हुई है, ये भी सेम फैब्रिक की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बटन लगी हुई है, दो दो पॉकेट भी आप यहाँ पे मिल रहा है आपको, दोनों साइड में पॉकेट है। और ये फुल स्लीव की है और ये स्लीव्स पे भी आपको ऐसे डबल और टेपिंग मिल जाती है दोनों साइड पे, शोल्डर से लेकर के पूरी स्लीव्स पे आपको ऐसे ये टेपिंग मिल जा रही है। इसका ट्राई ऑन लगाऊंगी, आप देखिएगा, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली इसकी क्वालिटी और वगैरह बहुत अच्छी लगी। आप अच्छा, मेरे पास ये 2 कलर में है, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ड्रेस, आपको ज़रूर पसंद आएगा आई एम श्योर। ये डार्क पिंक में ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा लगता है, पिंक एंड ऑरेंज का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। वी नेक में है, यहाँ पे डीप वी नेक है और हाफ ड्रेस पिंक कलर में है और हाफ ऑरेंज कलर में है, फुल लेंथ की है ये। और नीचे की तरफ इसकी फ्लेयर भी बहुत अच्छी खासी इसकी फ्लेयर है। बैक साइड में आपको यहाँ पे जिप मिल जाती है जिसे आराम से आप इसे ओपन करके
यहाँ से ओपन करने के लिए आपको ऐसे जिप मिल जाती है। यहाँ पे आपको वेस्ट लाइन तक आपको जिप मिलती है। इसके बाद इसकी जो स्लीव है वो भी वही पफ वाली जो आजकल ट्रेंड में है। एज़ यूज़ुअल जनरली सभी ड्रेसेस और टॉप्स में इस तरह की स्लीव्स लगी हुई आ रही है। यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है जिसकी वजह से ये फुला फुला सा लुक आता है और यहाँ रफल जैसा लुक आता है। ये इसकी स्लीव है, स्लीव भी इसकी आपको फुल लेंथ आती है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। फैब्रिक वही इस समय तो जो भी ड्रेसेस वगैरह आ रही हैं वो एक क्रेप वाली पॉलिस्टर वाली फैब्रिक रह रही है, बट इसकी क्रेप कह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी क्रेप की अच्छी वाली है तो इस वजह से क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप फ्रंट पे देख रहे हैं कमर की तरफ आपको इस तरह से नॉट मिल जाता है, इधर से ऑरेंज का और इधर से पिंक का, दोनों को ला करके ऐसे ऐसे नॉट बना दिया गया है दोनों की तरफ से। फैब्रिक जो बेल्ट जैसा लुक देता है यहाँ पे वेस्ट लाइन पे तो बहुत प्यारा लगता है, प्लेन सा नहीं लगता, तो काफ़ी अच्छा है ये, मुझे बहुत पसंद आया। कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे ये वाली बहुत पसंद आई है, फैब्रिक वगैरह भी इसकी अच्छी है। और ये प्राइस है इसकी 568 रुपीज़, तो प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है ये। आप इस फेस्टिवल में चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा है फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत प्यारा है। इसे आप ऑक्सीडाइज वगैरह ज्वेलरी के साथ पेयर करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा ये, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। नेक्स्ट मेरे पास एक और जीन्स की एक और ड्रेस, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जो लोग इस तरह के ओपन ड्रेसेस पहनते हैं खुले वाले, वो पहनेंगे बहुत प्यारा लगा। ये कॉलर है इसकी, बहुत मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारी लगी है ये। इसकी कॉलर है ऐसे आपके नेक पे इस तरह से कॉलर आ जाती है और यहाँ बस्ट लाइन पे आपके ये वाला पार्ट आ जाता है। इलास्टिक यहाँ बैक साइड में लगी हुई है, बैक साइड में इलास्टिक लगी है जिससे अच्छे से फिट हो जाती है। और यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी आपको इलास्टिक मिल जाती है तो वेस्ट पे भी अच्छे से फिट हो जाती है। बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये, क्वालिटी ऑसम है इसकी, क्वालिटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। यहाँ पे आपको पॉकेट जैसा फ्लैप मिल जाता है बट पॉकेट नहीं है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे इसे बटन मिल जाता है जिसे आप ओपन करके जंप सूट की तरह आसानी से पहन सकती हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर आपको जिप मिल जाती है और ये कमर वाला पार्ट जो है यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे आपको लूप मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट पे ऐसे बटन लगी हुई है तो आप ऐसे लूप में फंसा करके इसे अलग लुक दे सकते हैं। और यहाँ वेस्ट पे प्लीटेड बनी हुई है जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे की तरफ फ्लेयर बन जाता है। तो ये है ओनली 702 रुपीज़ की, तो 702 रुपीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ है, डिज़ाइनर पीस है ये, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप वेस्टर्न वेयर पहनते हैं, पसंद करते हैं, तो ये तो मस्ट ट्राई है, आपको ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। तो आज का ये हॉल था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सारे ड्रेसेस जो भी मैंने आपको दिखाए। अगर आप में इसको लेना चाहते हैं तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।